हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुए का पराठा, जिसे आप झटपट बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बथुआ। बथुए को अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने बथुआ वॉश कर लिया है और आप चाहे तो इसे काट कर भी उबाल सकते हैं, ये बिना काटे भी, लेकिन मैं इसको बिना काटे उबाल रही हूँ। हमने भगोने में लिया है पानी, इतना पानी लेना है जितना उबलने के बाद बथुआ इसको ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि सारे विटामिन्स होते हैं बथुए के अंदर। अगर हम पानी फेंकेंगे तो उसके विटामिन सारे निकल जाएंगे। बथुआ हमारा उबल गया है, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। देखो, अब हम लेंगे आटा। आटे में हम बथुआ डाल देंगे। जिसका बचा हुआ पानी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच भुना जीरा। थोड़ी कसूरी मेथी। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको हाथों से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिलाकर इसका डो बना लेंगे। हमारा डो बन के रेडी है। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। हमने इसकी लोई बना ली है, अब हम इसको बेलेंगे। हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके तलने के लिए ऑयल लेंगे एक प्याली में। गैस ऑन करेंगे, उस पर फ्राई पैन रख देंगे और इस पर पराठा तलने के लिए डाल देंगे। एक साइड इसको पलट कर इस पर तेल लगाएंगे। आप चाहे तो रिफाइंड से बना सकते हैं, लेकिन मुझे तेल के पराठे ज़्यादा पसंद हैं। पराठा पलट देंगे, दूसरी साइड से भी तेल लगाएंगे। जब तेल अच्छे से लग जाए, पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे। इधर से अच्छे से सिक गया है, दूसरी साइड से सेकेंगे। अभी हमारा पराठा कम सिका, इधर से दोबारा से सेकेंगे। हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अब हमारा पराठा बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसे केचप या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।